गांधरबल में सीएपीडी विभाग ने सीएसी केंद्र के माध्यम से आधार कार्ड बनने का काम फिर से शुरू किया है। इस विभाग के माध्यम से गांधरबल जिले में जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बने हैं और जिनके आधार कार्ड में कोई त्रुटियां हैं, उनको आराम से इस विभाग द्वारा सुधारा जा सकेगा। लॉकडाउन के कारण यहां लोगों को परेशानियां भी उठानी पड़ रही थी, लेकिन गांधरबल में इस विभाग के फिर से खुलने से आधार कार्ड बनने और इसमें खामियों के सुधार में आम लोगों को परेशानियों से निजात मिलेगा। जम्मू से न्यूज प्लस के लिए फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। यहाँ पे आधार सेंटर एस्टैब्लिश किया इन एसोसिएशन विद सीएपीडी डिपार्टमेंट। इसमें मेन मुद्दा यही है कि जो यहाँ के लोकल्स है उनको आधार सर्विसेज डोर स्टेप्स पे मिल जाए। और क्योंकि आपको तो पता है लॉकडाउन की वजह से जब से यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम हुई थी नियर अबाउट लास्ट अगस्त से, तो उस तब से जितने भी लोग आधार सर्विस अवेल करने में बहुत ही परेशानी हासिल कर रहे थे। हमारा यही टारगेट है हमारा यहाँ से 100% अचीवमेंट हो जाए, चाहे नए एनरोलमेंट हो और साथ साथ में उन लोगों को भी फ़ायदा मिले जो अपने आधार में पिछले एनरोलमेंट में गलतियों की वजह से अपने आप को वो ये महसूस कर रहे थे कि हम कहाँ से जाएँ किधर जाएँ। हमने उनके लिए यहाँ पे 145 रूम मिनी सेक्रेट में 145 रूम यहाँ पे दिया है। वहाँ पे एक आधार सेंटर एस्टैब्लिश किया है सीएससी के माध्यम से और इन एसोसिएशन में सीएपीडी डिपार्टमेंट, ताकि जितने भी सर्विसेज आधार की है वो यहाँ पे अवेल कर सके। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।